प्लीज सर मुझे हमें से प्रत्येक का अपने शहीद सैनिकों के प्रति अत्यंत हृदय से सम्मान होता है। हम उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हैं और सच्ची भावनाएं व्यक्त करते हैं। जब शहीद होते हैं वे हमारे मातृभूमि की रक्षा के लिए तो पंक्तियां इस्तेमाल होती हैं, एंड होम दे ब्रॉट द हीरो डेड। हम लोग कहते हैं शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। लेकिन अध्यक्ष महोदय, हम लोग केवल लिप सर्विस करते हैं। अभी मैं किश्तवाड़ और राजौरी क्षेत्र में हमारे सैनिक आतंकवादियों से लड़ते हुए शहीद हुए, ये मेरे पास 24 नवंबर का अखबार है, लिखता है एन आर्मी मैन किल्ड। कौन आर्मी मैन है, क्या उसका रैंक है, कैसे वो शहीद हुआ, उसका कोई नाम होना चाहिए। वो हिंदुस्तान का मातृभूमि का बेटा है और उसका नाम तक उसमें नहीं दिया गया। और उसके बाद वह लिखता है गन फाइट मिलिटेंट्स रिटर्न बैक टू पाकिस्तान एडमिनिस्टर्ड कश्मीर, इट्स रॉन्ग, इंडिया डज नॉट एक्सपेक्ट दिस टर्म, वी से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। वो पाकिस्तान के इलीगल ऑक्यूपेशन में है, पाकिस्तान एडमिनिस्टर्ड कश्मीर नहीं है, ये अखबार लिखते हैं। और शहीदों के सम्मान में जिस जिले में जाते हैं वहां पे महोदय स्कूल में कुछ नहीं होता, जिस स्कूल में मैं पढ़ा होता है वहां उसकी जीवन कथा तक नहीं पढ़ाई जाती। देहरादून से कर्नल भाटिया शहीद हुए पिछले दिनों, वहां पे उनकी चिता में उनके श्रद्धांजलि सभा में कोई व्यक्ति न जिले का अधिकारी पहुंचा न स्टेट का अधिकारी पहुंचा। मैं ये डिमांड करना चाहता हूं सर कि इसका एक राज्य स्तर पे प्रोटोकॉल तय होना चाहिए, मुख्यमंत्री वहां जाए, प्रतिनिधि जाए, जिले के अधिकारी जाए और उस जिले के सभी विद्यालयों में उस दिन उस शहीद की जीवन कथा बच्चों को पढ़ाई जाए, बताया जाए कि तुम्हारे बीच का ये शहीद हुआ है और तुम उसके जीवन से प्रेरणा ग्रहण करो। ओटावा का अमेरिका का उदाहरण है, हजारों लोग सड़क पे खड़े होते हैं, फूल मालाएं अर्पित करते हैं, पुष्प अर्पित करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं, स्कूल बंद रहते हैं, बाजार बंद हो जाते हैं, नेताओं के देहांत पे होता है, शहीदों के सैनिकों के देहांत पे नहीं होता। ये परंपरा शुरू करने की मैं मांग करता हूँ और ये मांग करता हूँ कि हमारे सदन में पहला दिन और सत्रावसान का अंतिम दिन हम उस अवधि में शहीद हुए सैनिकों का स्मरण करते हुए श्रद्धांजलि दें। दुनिया में कहीं भी घटना होती है हमारे सदन में श्रद्धांजलि दी जाती है, हमारी सीमा की रक्षा करते हुए जो सैनिक शहीद होते हैं उनको भी सदन में श्रद्धांजलि दी जानी चाहिए पहले दिन और सदन के अंतिम दिन, जिससे ये मैसेज जाना चाहिए कि देश उनके साथ खड़ा है और उनकी शहादत को इग्नोर